Hello everyone, I'm Karun Pankaj. Welcome to Takshila HS. So in this video, I'll be discussing about the river system of Himachal Pradesh. The whole topic of river system will be completed in 5 parts, means 5 videos. So in first video, I'll be discussing the basic river system and the river Chenab in detail. In detail means I'll be discussing their names, their length, their tributaries. Plus, I'll also be covering some previous year questions based on the river. In video 2, I'll be discussing river Rabi, and then in third Bias, then Satluj, and finally Yamuna. So in this way, I'll be completing all the 5 major rivers of Himachal Pradesh. So without wasting time, let's start with the video. So there are 5 major rivers in Himachal Pradesh: Chenab, Rabi, Bias, Satluj, and Yamuna. So first 4 rivers, Chenab, Rabi, Bias, Satluj, ye kaun si river system ka part hai? इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट है, और जो यमुना है इट इज़ द पार्ट ऑफ गंगा रिवर सिस्टम. ये चारों रिवर्स जो हैं ये वेस्टवर्ड फ्लो करती हैं और फाइनली ऐड होती हैं इंडस में, जो कि फाइनली इंडस जो है अरेबियन सी में ड्रेन कर जाती है. देन यमुना जो है ये गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है, प्रयागराज में ये गंगा को ज्वाइन करती है और गंगा ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में. ये चारों रिवर्स जो हैं टॉप मोस्ट, चिनाब, राबी, ब्यास, सतलुज, ये चार और एक झेलम जो कि जम्मू कश्मीर में स्टार्ट होती है वेरीनाग स्प्रिंग से, तो ये 5 रिवर्स पाकिस्तान में सारी ऐड हो जाती हैं. जहाँ पे ये ऐड होती हैं उसे पंजनद कहा जाता है. देन ये एक कंबाइंड फ्लो बनता है, कंबाइंड स्ट्रीम बनती है, और इंदस को ज्वाइन करती है मिथानकोट में, और इंदस जो है वो ड्रेन हो जाती है अरेबियन सी में जाके. नेक्स्ट इज़ यमुना. तो यमुना जो है वो गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है. यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर जो कि उत्तराखंड में, वहाँ से इसका ओरिजिन है, वहाँ से स्टार्ट होती है, और आफ्टर कंप्लीटिंग 1376 किलोमीटर्स यमुना मीट्स गंगा एट प्रयागराज. प्रयागराज जिसे पहले अलाहाबाद कहा जाता था, वहाँ पे ये ज्वाइन हो जाती है गंगा रिवर के साथ. हियर इज़ द मैप, जिससे हम ट्राई करेंगे थोड़ा समझने की कि क्या क्या लोकेशंस हैं, क्या डिस्टेंस है, क्या पाथ है रिवर्स का. तो नॉर्थ मोस्ट देखेंगे तो नॉर्थ मोस्ट इज़ चंद्रभागा, दैट इज़ चिनाब. तो ये बारालाचला पास है, यहाँ से 2 स्ट्रीम्स का ओरिजिन होता है, ठीक है. फिर 2 लेक्स भी हैं बारालाचला के पास, एक का नाम है सूरजताल, एक का नाम है चंद्रताल. सूरजताल जो है जिस स्ट्रीम को वाटर प्रोवाइड करता है, यानी कि जिसका वो सोर्स है, दैट इज़ भागा रिवर. और चंद्रा रिवर का सोर्स क्या है? चंद्रताल. दोनों ही स्ट्रीम्स एक प्लेस में आके मिलती हैं जिसे बोलते हैं तांदी. तो ये वाला पॉइंट जो है इसे तांदी बोला जाता है. तो तांदी में ये दोनों स्ट्रीम्स आके मिलती हैं और फॉर्म करती हैं चंद्रभागा, चंद्र प्लस भागा चंद्रभागा, जिसे चिनाब भी कहा जाता है. फिर ये चिनाब लाहौल स्पीति में अपना डिस्टेंस ट्रेवल करके भुजिंड नाम की जगह से चंबा में एंटर हो जाती है, चंबा की पांगी वैली में. फिर चंबा में अपना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और संसारी नाला जो है एक प्लेस है, वहाँ से ये जम्मू कश्मीर की पोदार वैली में एंटर कर जाती है. सो फाइनली ये जम्मू कश्मीर में चली जाती है. हिमाचल में ये सिर्फ 122 किलोमीटर ट्रेवल करती है. सेकंड रिवर इज़ चंबा, सॉरी चंबा में रावी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, तो सेकंड रिवर इज़ रावी. तो बड़ा बंगाल, कांगड़ा का जो बड़ा बंगाल का एरिया है, वहाँ से ये रिवर स्टार्ट होती है. बड़ा बंगाल में जहाँ पे ये रिवर है उसके नॉर्थ साइड में पीर पंजाल रेंज है और साउथ साइड में धौलाधार रेंज है. तो ये इन दोनों रेंज इसके बीच में चलती है, यानी इन्हें डिवाइड करती है ये. फिर ये चंबा में एंटर करती है और चंबा को बीचों बीच काट देती है. 158 किलोमीटर हिमाचल में ये ट्रेवल करती है और फाइनली खेरी नाम की जगह जो कि चंबा में है, वहाँ से ये पंजाब में एंटर कर जाती है. थर्ड रिवर इज़ ब्यास. ब्यास रोहतांग, जो रोहतांग पास जो है कुल्लू में, उसी के नियर बाय एक ब्यास ऋषि है, एक ब्यास कुंड है. ये दोनों सोर्सेज हैं 2 स्ट्रीम्स के, यहाँ से 2 स्ट्रीम्स आती हैं और वहीं से 10 किलोमीटर दूर एक विलेज है जिसे बोलते हैं पलाचन विलेज. वहीं पे ये दोनों स्ट्रीम्स जुड़ती हैं और फॉर्म करती हैं ब्यास रिवर. तो जब ये ब्यास रिवर फॉर्म होती है, ये अपना डिस्टेंस ट्रेवल करती है कुल्लू में, फिर बजौरा नाम की जगह से ये मंडी में एंटर हो जाती है. मंडी से ये थोड़ा कांगड़ा आती है, पहले संधोल नाम की जगह से एंटर करती है कांगड़ा में, फिर ये हमीरपुर की साइड हो जाती है. जो सुजानपुर का एरिया है, नदौन का एरिया है, वो सब
बॉर्डर पे है और इसी के बैंक्स पे है, ब्यास के बैंक्स पे है सुजानपुर और नदौन। देन ये फिर कांगड़ा की साइड हो जाती है और देहरा में ये पोंग डैम इसी रिवर पे है। देन फाइनली मीरथल नाम की जगह से ये पंजाब में एंटर होती है। फोर्थ रिवर इज सतलुज। चाइना में यानी तिब्बत बोल सकते हैं, तिब्बत, तो वहाँ पे एक मानसरोवर लेक है जिसका जिससे दो रिवर बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स निकलती हैं, एक है इंदस और एक है ब्रह्मपुत्रा। बस उसी लेक के पास, मानसरोवर लेक के पास एक छोटा सा लेक है जिसका नाम है रक्षता। वहाँ से एक रिवर स्टार्ट होती है जिसका नाम है सतलुज, जो कि हिमाचल की लॉन्गेस्ट रिवर है। ये शिपकी पास से एंटर होती है किन्नौर में, फिर किन्नौर में अपना डिस्टेंस ट्रेवल करती है और चौरा नाम की जगह से ये शिमला में एंटर हो जाती है। फिर ये शिमला में रामपुर वगैरह जो हैं वो इसी के बैंक्स में हैं। देन ये थोड़ा बॉर्डर टच करती है कुल्लू मंडी सोलन का और सोलन के कसोल से ये बिलासपुर में एंटर हो जाती है। बिलासपुर में गुरु गोविंद सागर लेक जो है, जो कि हिमाचल का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है, वो इसी रिवर पे है। देन ये इस पॉइंट में भाखड़ा जो है वो हिमाचल में है विलेज, और नंगल जो है वो पंजाब में है। तो इस पॉइंट से ये एंटर कर जाती है पंजाब में। भाखड़ा नंगल डैम इसी रिवर पे है। देन जो फिफ्थ रिवर है हमारी और साउदर्न मोस्ट रिवर है, वो उत्तराखंड में उसका ओरिजिन होता है गंगोत्री ग्लेशियर से। देन वो अपना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उत्तराखंड में और खद्दर माजरी नाम की जगह से हिमाचल में एंटर कर जाती है। हिमाचल में सिर्फ 22 किलोमीटर ये ट्रेवल करती है और ताजेवाला नाम की जगह से ये हरियाणा में एंटर कर जाती है और फाइनली प्रयागराज में जाके ये गंगा को ज्वाइन करती है। और ये सिर्फ हिमाचल में 22 किलोमीटर ट्रेवल करती है। लॉन्गेस्ट रिवर है सतलुज जो कि 320 किलोमीटर ट्रेवल करती है। उसके बाद ब्यास है जो 256 किलोमीटर ट्रेवल करती है। देन राबी 158 किलोमीटर और देन है चिनाब 122 किलोमीटर। और स्मॉलेस्ट रिवर जो है हिमाचल प्रदेश में वो है यमुना, जो कि सिर्फ 22 किलोमीटर ट्रेवल करती है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे पाथ चिनाब का। इस वीडियो में मैं चिनाब कवर करूंगा, जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उनमें मैं बाकी की जो रिवर्स हैं वो वन बाय वन डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले चिनाब है, तो यहाँ पे बारालाचा ला पास जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ से दो स्ट्रीम्स चलती हैं। फिर यहाँ पे सूरज ताल है जो कि वाटर प्रोवाइड करवाएगा भागा को, ये भागा रिवर है। देन ये वाला जो है ये चिनाब है, चिनाब रिवर है, ये चिनाब स्ट्रीम है। कोक्सर विलेज जो है वो इसी रिवर के बैंक्स पे है, चिनाब के सॉरी चंद्रा के। चंद्रताल वाटर प्रोवाइड कराएगा चंद्रा स्ट्रीम को और ये दोनों जो हैं यहाँ पे आके मिलेंगी तांदी में और फॉर्म करेंगी चंद्रभागा यानी कि चिनाब। वैली बनेगी पतन वैली जो इस रिवर से बनेगी। फिर ये अपना डिस्टेंस ट्रेवल करती है लाहौल स्पीति में। सो ये डिवीजन जो हमने मैंने बनाई है, ऑल दीज डिवीजन्स, टू डिवीजन्स रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ चंबा एज वेल एज लाहौल स्पीति। तो इतना सा एरिया लाहौल स्पीति का है ये सारा। तो जो लाहौल स्पीति का उदयपुर है वहाँ पे म्यार नाला नाम की एक रिवर है, वो ट्रिब्यूटरी है चिनाब की और उदयपुर में जाके ज्वाइन करती है ये। देन पांगी वैली में एक सेचर नाला नाम की रिवर है जो कि पांगी वैली में ज्वाइन करेगी चिनाब को। और फाइनली फिर संसारी नाला से ये रिवर एंटर हो जाती है पुदार वैली ऑफ जम्मू कश्मीर में। सो ये पाथ है 122 किलोमीटर का हिमाचल में इस रिवर का। वाटर कैरिंग कैपेसिटी इस रिवर की मैक्सिमम है। नाउ कुछ फैक्ट्स देखते हैं जहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये फैक्ट्स। सबसे पहले नॉर्थ मोस्ट रिवर है हिमाचल प्रदेश की, हमने मैप में देखा। टू डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है ये, चंबा और लाहौल स्पीति से। लार्जेस्ट रिवर है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, मीन्स वाटर कैरिंग कैपेसिटी जो है इस रिवर की वो मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा पानी लेके चलती है ये रिवर। गोल्ड इज़ फाउंड इन दिस रिवर, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि गोल्ड कौन सी रिवर में मिला था या मिलता है, तो इट इज़ चिनाब। कभी मिला होगा या मिलता है, आई डोंट नो अबाउट दिस, बट ये क्वेश्चन है। टोटल लेंथ इज़ 1200 किलोमीटर्स, लेंथ जो है एचपी में इट इज़ ओनली 122 किलोमीटर्स। टोटल कैचमेंट एरिया देखेंगे, ओवरऑल देखेंगे तो इट इज़ 61,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, बट इन हिमाचल प्रदेश द कैचमेंट एरिया इज 7500 स्क्वायर किलोमीटर्स ओनली। नेम्स की बात करेंगे तो संस्कृत नेम जो है इस रिवर का
दैट इज चंद्रभागा, चंद्र प्लस भागा मीन्स चंद्रभागा। वैदिक नेम इज अशिकनी, एंशियंट टाइम्स में अशिकनी नाम से ये फेमस थी। देन ग्रीक नेम इज एकेंशाइंस एंड एशिशनस। जर्नी, ऐसे तो वी हैव डिस्कस्ड इन द मैप मैप ओनली कि क्या जर्नी थी चनाब की, कहाँ से फॉर्म होती है, कहाँ से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, कहाँ कहाँ से ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। बट यहाँ भी देखते हैं, चंद्र और भागा तांदी में मिलती हैं और फॉर्म करती हैं चंद्रभागा रिवर, जिसे चिनाब भी कहा जाता है। जो वैली ये रिवर बनाती है उसे बोलते हैं पतन वैली। चंबा में ये रिवर भुजेंड से एंटर करती है और जम्मू कश्मीर में संसारी नाला से। ट्रिब्यूटरीज देखेंगे अब, सबसे पहली ट्रिब्यूटरी तो चंद्रा है, जो कि बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से जिसका ओरिजिन है, यानी बड़ा शिगड़ी जो था सबसे बड़ा ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश का, जिसकी लेंथ 25 किलोमीटर्स है और वेथ 3 किलोमीटर्स है, तो वहाँ से इसका ओरिजिन माना जाता है। और वाटर इसको प्रोवाइड करवाता है चंद्रताल लेक। कोक्सर विलेज इसी रिवर के बैंक्स पे है। देन भागा रिवर जो कि बारालाचाला पास से ओरिजिन है जिसका, और सूरज ताल वाटर प्रोवाइड करता है इसे। नाउ म्यार नाला, मैप में वी हैव सीन कि म्यार नाला लाहौल स्पीति में ज्वाइन करेगा, लाहौल स्पीति के उदयपुर में ज्वाइन करेगा चिनाब रिवर को। देन सेचर नाला जो कि पांगी वैली में ज्वाइन करता है चिनाब को। देन तभी जिसे सूर्यपुत्री कहा जाता है, ये जम्मू एंड कश्मीर में ज्वाइन करती है चिनाब को। देन सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में कई बार पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ चिनाब रिवर इन HP? तो वी हैव डिस्कस्ड इट इज़ 122 किलोमीटर्स, सो वी इज़ द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द वैदिक नेम ऑफ चिनाब, चिनाब का वैदिक नेम है अशिकनी और संस्कृत नेम है चंद्रभागा। क्वेश्चन नंबर 3 इज, चिनाब स्टार्ट्स फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? सो चिनाब स्टार्ट्स इन लाहौल स्पीति, ठीक है, लाहौल स्पीति से स्टार्ट होती है और फिर चंबा में एंटर कर जाती है, फिर चंबा से ये जम्मू कश्मीर में एंटर कर जाती है। तो दो ही ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे ये रिवर फ्लो करती है हिमाचल प्रदेश में, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 122 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द संस्कृत नेम ऑफ चिनाब रिवर, संस्कृत नेम है चंद्रभागा, अशिकनी है वैदिक नेम और एकेंशाइंस या एशेसनेस है ग्रीक नेम। क्वेश्चन नंबर 5 इज, विच वन ऑफ देम इज़ द सोर्स ऑफ चिनाब रिवर, सो बारालाचाला पास भी हो सकता है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे तो बारालाचाला पास दिया है, सो इट इज़ द राइट आंसर। बट ऑप्शंस में कई बार बारालाचाला पास भी आ सकता है, कई बार चंद्रताल भी आ सकता है, कई बार सूरज ताल भी आ सकता है। सो वैसे चिनाब रिवर का पूछा है तो चंद्रताल आ सकता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, म्यार नाला सेचर नाला आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर, सो म्यार नाला जो है वो उदयपुर में चिनाब को ज्वाइन करता है और सेचर नाला जो है वो पांगी में जाके ज्वाइन करता है इस रिवर को। सो दोनों ही किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, चिनाब की। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज, फ्रॉम विच प्लेस चिनाब एंटर्स चंबा, तो चंबा में ये भुजिंड से एंटर करती है और जम्मू कश्मीर में संसारी नाला से, सो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 इज, इन विच रिवर ऑफ HP गोल्ड इज फाउंड, सो गोल्ड जो है वो चिनाब में मिलता है, हमने फैक्ट्स में ये देखा है। क्वेश्चन नंबर 9 इज, विच रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ HP इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर मीन्स वाटर कैरिंग कैपेसिटी किसकी मैक्सिमम है, तो दैट इज चिनाब। क्वेश्चन नंबर 10, एट विच प्लेस ऋषि वशिष्ठ डाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऋषि वशिष्ठ की डेथ कहाँ पे हुई थी, सो ये तांदी में हुई थी जहाँ पे चंद्र और भागा दोनों मीट करती हैं और चंद्र भागा फॉर्म करती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज, वेयर डिड द लास्ट राइट्स ऑफ द्रौपदी वर परफॉर्म्ड, सो द प्लेस वॉज तांदी जहाँ पे लास्ट राइट्स ऑफ द्रौपदी परफॉर्म किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 12, चंद्र एंड भागा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर, सो दोनों ही ट्रिब्यूटरीज हैं चिनाब की, दोनों तांदी में आके मिलती हैं और चंद्र भागा या चिनाब फॉर्म करती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ देम इज एन इम्पॉर्टेंट ह्यूमन सेटलमेंट अलॉन्ग चंद्रा रिवर, चंद्रा रिवर के पास जो ह्यूमन सेटलमेंट है दैट इज कोक्सर विलेज, ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, द वैली फॉर्म्ड बाय चिनाब रिवर इज ऑल्सो नोन एज, सो दैट इज ऑल्सो नोन एज पतन वैली, सो सी इज राइट।
क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द कैचमेंट एरिया ऑफ चिनाब इन एचपी? वैसे 61,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो इसका कैचमेंट एरिया है चिनाब का, ओवरऑल जितने भी ये रिवर है, ठीक है, बट हिमाचल में ये ट्रेवल करती है सिर्फ 122 किलोमीटर्स, तो उस हिसाब से जो इसका कैचमेंट एरिया है दैट इज़ 7,500 स्क्वायर किलोमीटर्स ओनली। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज, व्हाट इज़ द ग्रीक नेम ऑफ चिनाब? चिनाब का ग्रीक नेम है एकिनशाइंस या HSNS भी हो सकता है, सो सी इज़ द राइट ऑप्शन हियर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे तो अरेंज द रिवर्स ऑफ HP इन ऑर्डर ऑफ देयर फ्लो फ्रॉम नॉर्दर्न टू साउदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट। तो सबसे पहले जो हमने रिवर देखी थी, जो टॉप मोस्ट रिवर थी, नॉर्दर्न मोस्ट थी, दैट वॉज चिनाब, देन उसके बाद थी रावी, देन ब्यास, देन सतलुज और देन यमुना। हमने मैप में ये सब डिस्कस किया था, सो चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज एंड यमुना, इट इज़ द राइट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द रिवर जांस्कर जॉइंस द भागा रिवर एट। तो जांस्कर रिवर भागा रिवर को ज्वाइन करती है दारचा में, सो बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, रिवर ऑफ HP विच बिलोंग्स टू गंगा रिवर सिस्टम इज, हमारी चार रिवर्स जो हैं दैट इज चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सारी चारों की चारों इंदस रिवर सिस्टम का पार्ट हैं, बट सिर्फ एक दैट इज यमुना वो है गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट, तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मैनी मेजर रिवर्स फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ HP? सो देयर आर 5 मेजर रिवर्स इन HP, तो आंसर इज 5। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मैनी रिवर्स ऑफ HP जॉइंस इंदस रिवर सिस्टम? सो देयर आर 4 रिवर्स जो कि इंदस रिवर सिस्टम का पार्ट हैं। इंदस को सारी रिवर ज्वाइन करती हैं मेथानकोट में जो कि पाकिस्तान में है, और इंदस फाइनली ड्रेन करती है अरेबियन सी में। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, एट विच प्लेस चंद्रा एंड भागा मेड टू फॉर्म चिनाब? सो यही वो पॉइंट है जहाँ पे ऋषि वशिष्ठ की डेथ हुई थी और द्रौपदी के लास्ट राइट्स परफॉर्म किए गए थे, और यहीं पे दोनों रिवर चंद्रा एंड भागा मीट करती हैं और चंद्रभागा फॉर्म करती हैं। सो द प्लेस इज तांदी एंड सी इज़ द राइट आंसर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।